हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम आपका जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का एक और मॉडल सेट का जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6B है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इनवर्स कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए और फिर आपको कुछ इवेल्युएट करने के लिए भी बोला गया है। तो देखिए, हम पहले क्या करते थे, पहले हम इससे पिछले वीडियो में वहां पे देखे थे कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो हम फाइंड करते थे वो क्या होता था आपका, एफ सी ऑफ यू इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity और कोई फंक्शन गिवन होता था। मान लेते हैं फंक्शन आपका x के वेरिएबल के फॉर्म में रहता था, तो मान लेते हैं फंक्शन आपका f ऑफ x रहता था, तो आपका क्या होता था, इंटीग्रल 0 to infinity f ऑफ x cos ux dx, ऐसा ही होता था। तो ये आपका क्या होता था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। तो थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस होता है। तो देखिए, आपका इनवर्स जो होगा, तो देखिए यहाँ पे आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हो, तो अब जो आप इनवर्स फाइंड कर रहे होंगे, तो इनवर्स फाइंड कर रहे होंगे तो आपको यहीं से देख के पता चल रहा होगा क्या, LHS में आपका कौन सा फंक्शन आ जाएगा, f ऑफ x। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, 2 by π इंटीग्रल 0 to infinity fc of u du। तो आपको नजर आ रहा होगा चेंजेस की क्या क्या चेंजेस है, कौन सा फंक्शन आपका कहाँ पे गया है, और सामने में खाली आपको जो है 2 by π मल्टीप्लाई करना है। तो यही आपका क्या है, यही है आपका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो यही उसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन में आपका फंक्शन दिया हुआ है। देखिए घबराना नहीं है कि हम यहाँ पे यू मान लिए हैं और यहाँ पे फंक्शन आपका अल्फा के फॉर्म में, क्योंकि आपका जो जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उनके मन पे, वो चाहे जो भी वेरिएबल ले, वेरिएबल लेने के लिए तो वो इंडिपेंडेंट है। तो आपको जो बेसिक डेफिनेशन है, ये नहीं कि आप एग्जाम में ये याद करके चले गए कि यू ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे वहां पे अल्फा लिया है, तो जहां पे हम एफ सी ऑफ यू लिखे हैं वहां पे आप एफ सी ऑफ अल्फा कंसिडर कर लीजिए, और एफ सी ऑफ अल्फा कर रहे हैं तो इसको डी यू ना करके इसको आप डी अल्फा कर दीजिए। तो यही है आपका, तो फर्स्ट स्टेप यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है ये वाले फॉर्मूला से, तभी आपका क्या फाइंड हो जाएगा, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और देखिए उसके बाद आपको क्या बोला गया, हेंस इवेल्युएट। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, तो उस पार्ट पे भी आएंगे, पहले जो है क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दिए, ये फॉर्मूला होता है। अब हम सारा रिजल्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 by π इंटीग्रल। अब देखिए, अब जब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो फंक्शन जो है आपका यहाँ पे ब्रेक किया गया है दो पार्ट में। देखिए 0 से 1 के लिए जो है आपका फंक्शन क्या है, 1 - α, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है आपका 0। तो आपका इंटीग्रल का जो लिमिट था वो 0 to infinity है, तो फंक्शन के नेचर को देखते हुए आपको इंटीग्रल के लिमिट को भी ब्रेक करना होगा। तो देखिए 0 से 1 के लिए आपका क्या है, 0 से 1 के लिए है 1 - α, और आपका जो है, सॉरी यहाँ पे हम जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे, तो ये आपका जो है एफ सी ऑफ अल्फा इंटू कॉस अल्फा एक्स, और ये जो है आपका डी अल्फा, ये जो है कॉस अल्फा एक्स जो है मिस हो गया था क्योंकि वहां पे कोसाइन फंक्शन था, तो आपका यहाँ पे भी आएगा। तो ये आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कॉस अल्फा एक्स भी होगा। वैसे जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट में तो वेरिएबल यू कंसिडर करते हैं, तो वहां पे आपका जो है कॉस यू एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे क्योंकि जो है यू के जगह पे आपका अल्फा दिया हुआ है, तो ये आपका कॉस अल्फा एक्स होता है। तो ये आप लोग जो है चेंजेस कर लीजिएगा, ये आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला ये है इनवर्स कोसाइन, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन का। तो 0 to 1 में आपका फंक्शन क्या है, 1 - α, तो आपका यहाँ पे 1 - α रख दिए इंटू कॉस अल्फा एक्स डी अल्फा, और उसके बाद फिर देखिए, फिर जो है आपका 1 से लेके और ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ, यानी 1 से लेके आगे कोई भी रियल नंबर के लिए वैल्यू क्या है 0, तो प्लस 2 by π इंटीग्रल आपका 1 to infinity, और उसके लिए फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो आपको जो ये पूरा वैल्यू 0 ही दे रहा होगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, u into v rule से इसको इवेल्युएट कर लीजिए। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, f of x equal to 2 by π, अब इसमें u into v rule अप्लाई कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 - α अल्जेब्रिक है, उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, तो ये 1 - α इंटू कॉस अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल कौन सा है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप जो है अल्फा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल आपका अल्फा कंसीडर होगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, -sin, तो -sin α x डिवाइडेड बाय किसके साथ हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपका, आपका यहाँ पे डिवाइड अल्फा के साथ ना होकर एक्स के साथ होगा, क्योंकि एक्स आपका यहाँ पे अल्फा का कोफिशियंट है, तो आपका डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा।
फिर अल्टरनेट माइनस प्लस साइन चलता है तो माइनस आएगा, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका जीरो माइनस वन, यानी माइनस वन आ रहा होगा तो माइनस वन, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन गलती से माइनस साइन लिख दिए थे, माइनस नहीं होता है, साइन का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस कॉस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय, पहले से देखिए आपका डिनोमिनेटर में क्या है एक्स है, एक और बार आपका एक्स डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा का कोफिशियंट है, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से भी एक एक्स यहाँ पे प्रेजेंट था, और इसका लिमिट क्या है आपका जीरो टू वन, इसके आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि आपका जो है ये अब आपका कांस्टेंट मिल चुका है, इसके आगे बढ़िएगा तो आपको वैल्यू जीरो मिलेगा जब आप ये वाले पार्ट को आगे फर्दर डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे अपर लिमिट रखे और लोअर लिमिट रखे और देखिए वैल्यू क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका टू बाय पाए, जब आप वन रखिएगा अल्फा के जगह पे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा वन माइनस वन, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जीरो लिख दे रहे हैं तो जीरो, और फिर देखिए यहाँ पे आपका माइनस माइनस माइनस, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल साइन क्या होगा माइनस का होगा, आप चाहें तो यहाँ पे जो है इसको और इसको हटा देते हैं और यहाँ पे एक माइनस साइन है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे आप क्या रख रहे हैं वन रख रहे हैं, तो ये आपका रिजल्ट क्या देगा, देखिए कॉस वन इंटू एक्स, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फा के जगह पे जीरो रखेंगे तो माइनस साइन पहले लगेगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस। अब देखिए आप अल्फा की जगह पे जब आप जीरो रखिएगा तो ये वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए, ये आपका यहां से क्या मिल जाएगा साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है जीरो, तो जीरो इंटू कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी क्या होता है जीरो, तो ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो गया। फिर देखिए अगेन माइनस, अब देखिए जब आप अल्फा की जगह पे यहाँ पे जीरो रखिएगा तो कॉस जीरो क्या दे देगा वन, और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर, न्यूमिनेटर में आपको क्या मिलेगा कॉस जीरो, तो वन बाय एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये हो गया आपका वन बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो देखते हैं, तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा टू बाय पाए, टू बाय पाए, और यहां से जो है आपका ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो डिनोमिनेटर दोनों का देखिए तो दोनों का डिनोमिनेटर एक ही जैसा है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए जब आप दोनों का डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा तो दोनों के डिनोमिनेटर में आपका क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर में आपका क्या बचेगा टू बाय पाई एक्स स्क्वायर, और ये आपका अंदर क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स। अब देखिए वन माइनस कॉस एक्स हम आपको फॉर्मूला आई थिंक बताए थे, वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपका हम पहले भी बता चुके हैं, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो वन माइनस कॉस थीटा आपका होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे वन माइनस कॉस एक्स है तो टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो ये आपका आ गया टू बाय पाई एक्स स्क्वायर इंटू टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं इक्वल टू, ये देखिए टू इंटू टू आपका क्या हो गया फोर हो गया, तो फोर बाय पाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो देखिए ये तो हो गया आपका, ये आपका क्या आ गया क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया था यानी इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट बोला गया है हेंस इवेल्युएट, तो देखिए जब भी आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का बात करें या फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जब भी आपका जो है कुछ इवेल्युएट करने के लिए बोला जाए तो देखिए क्वेश्चन का पहले फर्स्ट पार्ट कुछ और बोला जाएगा फिर इवेल्युएट करने, या फिर डायरेक्ट भी बोला जाएगा तो पहले आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे आपने पहले क्या किया, पहले आपने इनवर्स फाइंड किया, अब इनवर्स के बाद जो है आप सिर्फ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आप इजीली ये रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। जब भी आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखिएगा ये पूरे मॉड्यूल में, कुछ भी अगर आपको इवेल्युएट करने या फिर प्रूव करने के लिए बोला जाएगा, जैसे इसका कुछ अभी वैल्यू आएगा कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम किया जा सकता था कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू, और जो भी वैल्यू आएगा वो भी, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो अभी आप काम किए अब उसका उल्टा काम कीजिए, जैसे अभी आप इनवर्स फोरियर इनवर्स जो है आप कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड किए, तो इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड किए, तो अब आप क्या कीजिए सिर्फ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए और उसके बाद देखिए ये रिजल्ट तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो देखिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी ऑफ यू इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस यू एक्स डी एक्स, यही होता है। लेकिन यहाँ पे अब आप बोलिएगा यहाँ पे तो वेरिएबल यू नहीं है, यहाँ पे तो आपका यू की जगह पे क्या था अल्फा था, तो इसको हम अल्फा ही लिख देते हैं, तो जहां जहां पे यू लिखे हैं वहां पे अल्फा लिख दीजिए,
तो ये अब आपका ऐसा हो गया। अब देखिए अभी जो है आप एफ ऑफ एक्स का अभी जस्ट आप वैल्यू फाइंड किए, तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आया है यहाँ पे उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एफ सी ऑफ अल्फा इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, फोर बाय पाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और आपका जो है कॉस अल्फा एक्स साथ में मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा एक्स डीएक्स। अब देखिए आपको जो है ये वाला रिजल्ट तक पहुंचना है, तो अब जो है यहाँ पे आपको कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे जो है आपको ये आपका जो है एक्चुअली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है यहाँ पे वो क्या एक्स बाई टू है, यानी अगर हम यहाँ पे एक्स बाई टू इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ही x बाई टू इक्वल टू जो है t यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। आप चाहे तो कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, जितना भी आप अभी तक कंसीडर कर चुके हैं उसके अलावा ही लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो देखिए x बाई टू इक्वल टू t या फिर कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर फाइनली जो है अगर आपका जो इसका वैल्यू मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं ये अगर हम इक्वल टू जेड अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए फाइनली जो आपका रिजल्ट आ रहा होगा वो किस वेरिएबल के फॉर्म में आएगा आपका, देखिए ये आपका फाइनली आ रहा होगा। और हम आपको पहले भी बताएं कि यहाँ पे अगर आपका वेरिएबल चेंज भी होता है, जैसे आपको दो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है साइन टी बाई टी का होल स्क्वायर का, लेकिन साइन जेड बाई जेड है तो वैल्यू सेम ही रहता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन में कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये इक्वल टू होता है आपका ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड। और अगर कोई भी आप वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम ही आता है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट ही यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट तक ये प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल ना करना पड़े, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ही यहाँ पे टी मान ले रहे हैं। तो एक्स बाई टू इक्वल टू टी मानिएगा, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू टू डी टी, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे देखिए एक्स की जगह पे जब आप जीरो रखिएगा तो टी इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा, और एक्स की जगह पे इन्फिनिटी तो टी इक्वल टू भी इन्फिनिटी, यानी लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। तो ये आपका क्या हो गया जीरो टू इन्फिनिटी, फिर देखिए फोर बाय पाई आपका एज इट इज रहा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको टू इंटू टी, तो यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका फोर इंटू टी स्क्वायर। उसके बाद देखिए फिर आपका एक्स बाय टू आपने क्या कंसिडर किया है टी, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू और कॉस अल्फा एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू और एक्स आपका क्या है टू टी है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और dx आपका क्या आया है टू डी टी तो इंटू टू डी टी। तो अब जो है यहाँ पे आपको कुछ अगर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये वाला फोर और ये वाला फोर आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां से हम टू बाय पाई, ये तो आपका कॉन्स्टेंट है तो ये तो आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो उसको हम सबसे पहले बाहर कर लेते हैं। तो देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपका आ जाएगा एफ सी ऑफ अल्फा इक्वल टू टू बाय पाई इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, फिर देखिए आपका क्या बच रहा है साइन स्क्वायर टी बाय और ये आपका यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है कॉस टू अल्फा टी डी टी, देखिये ये वाला टू और ये इसका डिनोमिनेटर का पाई स्क्वायर हम बाहर ले चुके हैं क्योंकि वो क्या है आपका सॉरी पाई था तो वो बाहर ले चुके हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। अब देखिए अब जो है आपका अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि अब आपको जो है ये वाला पार्ट नहीं चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ तो आपका साइन टी बाई टी का होल स्क्वायर है जो कि ये वाला पार्ट है, तो ये आपको चाहिए नहीं, तो इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा वन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको जीरो बना दीजिएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होके और वन मल्टीप्लाई होगा तो वही टर्न बचेगा, तो इसको हम वन कैसे बना सकते हैं अगर हम अल्फा की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें। तो अगर आप यहाँ पे पुट अल्फा इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो एल एच एस में भी तो चेंजेस होगा, क्या होगा एफ सी ऑफ जीरो इक्वल टू टू बाय पाई इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, ये इसको देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या साइन टी बाई टी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो है आपका साइन का होल स्क्वायर कुछ नहीं साइन स्क्वायर टी लिखिए या साइन टी का होल स्क्वायर सेम ही रहता है, और टी स्क्वायर या फिर टी का होल स्क्वायर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हो गया आपका, अब जब आप अल्फा की जगह जीरो रखे तो कॉस जीरो क्या होता है वन, तो इंटू वन इंटू डी टी, तो ये हो गया आपका। और यहां से देखिए एफ सी ऑफ जीरो चाहिए, अब देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन गिवन है जीरो पे, आपका फंक्शन जो है क्या होता है वन माइनस अल्फा, तो वन माइनस अल्फा की जगह पे हम क्या रखे हैं जीरो, तो वन माइनस जीरो इक्वल टू टू बाय पाई इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी साइन टी बाय टी का होल स्क्वायर डी टी।
तो यहाँ से अब आपको इसका वैल्यू चाहिए तो आप पाई बाई टू को इधर भेज दीजिए, मतलब ये न्यूमिनेटर में पाई चले जाएगा और डिनोमिनेटर में टू आ जाएगा। तो देयरफॉर आपका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तो वन दे रहा होगा, तो ये आपका इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी साइन टी बाई टी का होल स्क्वायर डी टी, ये क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू ये वाला पाई आपका न्यूमिनेटर में जाएगा और टू आपका डिनोमिनेटर में, तो आपका क्या मिलेगा वैल्यू पाई बाई टू। तो यही इसका जो है इवेल्युएट करने बोला गया था सेकेंड पार्ट, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऐसा ही दिया जाएगा कि पहले आपको कोई काम बोला जाएगा उसके बाद कुछ इवेल्युएट करने, तो पहले आप क्या कीजिए जो आपको बोला गया है वो कीजिए, फिर उसका उल्टा वाला पार्ट आप कर दीजिए, तभी आप ये रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन है इस मॉड्यूल में तो आपको ऐसा ही करना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जेड ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।